मम्मी का बीपी अभी तक नॉर्मल नहीं हुआ। बीपी तो तब नॉर्मल होगा ना जब घर के हालात नॉर्मल होंगे। ऊपर से भाई को देखो, हर रोज अम्मी को कोई नया शॉप दे रहे हैं। असद तुम बात करो ना जुनीद भाई से। मैं उनसे बात करूंगा और वो समझ जाएंगे। ये गलतफहमी तुम्हें हो सकती है, मुझे नहीं। तुम लोगों को डिस्टर्ब तो नहीं किया मैंने? नहीं नहीं प्लीज। मैं जानती हूँ कि अम्मी को लेके परेशान हूँ। मैं बस अभी उन्हीं को देख कर आ रही हूँ। वो सो रही हैं, बिल्कुल ठीक हैं, इसलिए परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। रूही, मुझे तुमसे एक फेवर चाहिए। फेवर कैसा? हुक्म करो। मैं चाहती हूँ कि मेरी शादी का ड्रेस तुम डिज़ाइन करो। बाकी ड्रेसेस तो तैयार हो चुके हैं, बस मैं चाहती हूँ कि शादी का ड्रेस बहुत क्लासी और यूनिक हो। मेरी कोशिश तो होगी अनु कि जैसा आप चाहती हैं उससे बढ़ के डिज़ाइन करूँ, लेकिन अगर आपको पसंद ना आया तो? जब कुछ प्यार से बनाया जाए ना तो वो दिल को भी भा जाता है और नजरों को भी पसंद आ जाता है। थैंक गॉड तुम दोनों के दरमियान के मसले तो सॉल्व हुए। मैं ही पागल थी जो हीरे की पहचान ना कर सकी। खुश हो?